क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चल रही योगी सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा। भारी भरकम सरकारी अमला होने के बाद भी झोला छाप चिकित्सक लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। गांव देहात की बात हम नहीं कर रहे, यह मामला कांट रोड स्थित हड़तला सोनकपुर पुरानी पुलिस चौकी चौराहे के नजदीक बिना पंजीकरण के आयुष क्लिनिक एक यूनानी चिकित्सक उमेश चंद्र वर्मा खुलेआम अपनी पद्धति छोड़कर एलोपैथिक पद्धति में मरीजों का उपचार करते हुए स्वास्थ्य विभाग को चुनौती दे रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क किनारे हाईवे पर अवैध अस्पताल चलना कहीं न कहीं सीएमओ कार्यालय के जिम्मेदार अफसरों से सांठगांठ की ओर इशारा कर रहा है। तो फिर ऐसे तो गांव देहात में तो झोला छाप डॉक्टर मौत बांट रहे होंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की नाकामी को साबित करने वाला ये एक उदाहरण नहीं है। एसीएमओ डॉक्टर संजीव बेलवाल की अनदेखी यूं ही नहीं है। सूत्रों की माने तो प्रतिमा सुविधा शुल्क के नाम पर एक अच्छी खासी रकम ऐसी अस्पतालों की अनदेखी करने की एवज में डकारी जा रही है। कहने को तो यूसी वर्मा हड़तला सोनकपुर के एक प्रसिद्ध यूनानी डॉक्टर हैं, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के आयुष क्लिनिक की आड़ में एलोपैथिक दवाओं का सेवन करा रहे हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है। यहाँ अनट्रेंड स्टाफ दवाइयों की पुड़िया बांधकर देने के लिए भी मौजूद है। सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह को इस आयुष क्लिनिक पर भी ध्यान देना होगा। इसमें पानी ज्यादा भी पीना चाहिए। डॉक्टर यूसी वर्मा, पेशेंट को पानी ज्यादा पीना चाहिए, बुखार मेंटेन रहना चाहिए, और जैसे फलों का जूस है इस तरह से अपने इस्तेमाल करना चाहिए। उसका लगभग 5 दिन तो रहता है, 6ठे दिन जो प्लेटलेट्स हैं वो बढ़ने लगती हैं। अदरवाइज अगर किसी को बीपी है या शुगर है तब तो प्रॉब्लम आ जाती है, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, पेशेंट में कमी आई है, 25% कम है पेशेंट। बस यही है कि अब आने वाला समय अच्छा रहेगा, जितने सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे पेशेंट कम होते जाएंगे। बेड का बस ये है कि 4-5 पेशेंट का बेड होगा। वो अदरवाइज प्लेटलेट्स अगर 20,000 से कम होते, 20,000 से कम होते हैं तो प्लाज्मा चढ़ाना चाहिए। मेरे पास ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल मेरे पास छोटी क्लिनिक है, मतलब यह है कि 5-6 पेशेंट कर देता हूँ मैं एडजस्ट। जैसे कि किसी को ग्लूकोज चढ़ाना होता है या बुखार तेज होता है, थोड़ा रुकना पड़ता है। मैंने बीएमएस किया है। मैं तो असल में ज्यादा अगर प्लेटलेट्स कम होते हैं तो रेफर कर देता हूँ, अगर 20 से कम देखता हूँ तो रेफर कर देता हूँ हॉस्पिटल के लिए। ना 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 ना, मैं रेफर ही कर देता हूँ। क्या चीज क्या बताए? रजिस्ट्रेशन मैंने देवबंद मेडिकल कॉलेज से किया था, कानपुर यूनिवर्सिटी।